ये तुम्हारी बाइक नहीं लग रही। मेरी बाइक है यार, क्यों बिलीव है? हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने मजाक किया हो। मजाक? ऐसा घिनौना मजाक कौन करेगा यार। इतनी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी बाइक का टायर चोरी होना। समर प्लीज रिलैक्स। कैसे करूं? तुम्हारे बाबा ने ना मुझ पे भरोसा करके तुम्हें मेरे साथ भेजा और अब ये हो गया। चलो तुम्हें घर छोड़। तो इसका क्या करोगे आप? इसको सुबह ले जाऊंगा ना यार, अभी देखते हैं कोई टैक्सी या रिक्शा मिलता है। चलो शमसा, तुमने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अम्मा ईशल का दिल था ना। ईशल मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। मैं इतनी तंग ज़हनियत की नहीं हूँ, लेकिन मसले भी कोई चीज होती है। अम्मा चंद घंटों की बात है, आ जाएंगे दोनों। बात यहाँ घंटों की नहीं, तौर तरीकों की हो रही है। अरे शादी के दिन इतने करीब है, फिर दोनों अकेले फिरेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? और फिर शादी के बाद घंटों फिरते रहें भाई, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अम्मा मैंने ईश्वर को आइंदा के लिए समझा दिया है। आइंदा जाने दोगी तब ना, मैं खुद पहरे पे बैठूंगी। मैं तुम लोगों पे अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। अम्मा हम सब हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वसीम मेरी बात गौर से सुनना, ये रात का अंधेरा जो होता है ना, इंसान को दस्ते देर नहीं लगाता। मैं जो कुछ ईशल के बारे में कह रही हूँ, कोमल के बारे में भी यही कहूंगी। अच्छा वह मैं खाना खा लूँ तो फोन करता हूँ। हाय तुम्हारे हालत से कैसे निवाले उतर रहे हैं, बेटी तुम्हारी बाहर गई हुई है। अम्मा आप खाना खा लेना, फिक्र नहीं करें। शुक्रिया। अच्छा अंदर जाके ना बाइक वाली बात आपको बताना, परेशान होंगे ठीक है? बेटा छुट्टियां कब से ले रहे हो? जी अभी डिसाइड नहीं किया। तो बेटा शादी में कुछ दिन ही तो बाकी रह गए हैं, कब लोगी छुट्टियां? आंटी सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, ज्यादा छुट्टियों की वैसे ही जरूरत नहीं, बट दो तीन दिन में ले लूंगा। अच्छा बैठते तो अच्छा लगता फिर कभी अंकल। चलो अभी तो मैं वार तक छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। श्योर? जी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। काफी थक गई हूँ मैं, जल्दी सो जाऊंगी। आपने कुछ नोट किया? हाँ दोनों किसी बात को लेकर परेशान लग रहा है। कहीं दोनों में कोई नाराजगी तो नहीं होगी? अल्लाह ना करे। मजाक? ऐसा घिनौना मजाक कौन करेगा यार। इतनी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी बाइक का टायर चोरी होना। समर प्लीज रिलैक्स। कैसे करूं? ईशल बेटा ईशल, ईशल, ईशल बेटा, ईशल सो रही हो?
बाबा ने ना मुझ पर भरोसा करके तुम्हें मेरे साथ भेजा और अब ये हो गया। चलो तुम्हें घर छोड़ मुझे बताओ कि नहीं क्यों परेशान हूं इतना। अम्मी वो मैं और सरमद हम दोनों जब डिनर करके बाहर निकले ना तो सरमद की बाइक से किसी ने टायर निकाल लिया। पहले तो मुझे लगा कि उसके किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, लेकिन अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने ऐसी हरकत की और क्यों की? अरे बेटा हो सकता है ना किसी को पैसों की जरूरत हो उसने टायर निकाल कर बेच दिया हो। अभी वहां पे और भी कितनी ज्यादा बाइक्स थे, सरमन की बाइक से क्यों निकाला? सरमन बहुत परेशान हो रहा था, उसने मुझसे मना किया था कि आप लोगों से जिक्र ना करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कौन कर सकता है ऐसे? मैंने किया होगा ऐसा तो मैं पहले ही परेशान हूं और ऊपर से आप। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या जरूरत थी उनको यह बताने की कि तुम्हें गाड़ी मिल रही है। वैसे भी हम ये दो दो गाड़ियों का क्या करेंगे भला? तो ये बताकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह तो हमने किया तुम्हारा रिश्ता वहां करके, जिन्हें बात बात पे समझाना पड़ता है और ऊपर से तुमने मना करा है। मैं आप ये बात खत्म करेंगी प्लीज? क्यों खत्म करूं, तुमने काम ही ऐसा किया। ये तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये दोनों गाड़ियां हम खड़ी कैसे करेंगे। मसला दो गाड़ियों का नहीं है, मसला हमारी बात पूरी होने का है। इस तरह तो उन्हें और डील मिल जाएगी, अपनी मर्जियां करते फिरेंगे। अब वो ये सोच रहे होंगे कि घर का जितना सामान है ना वो सरमद ही खरीद के ले आएगा, तो ले आना खरीद के, लेकिन इससे उनकी सोच बदल जाएगी। हमने नहीं किया था अपनी बेटी के लिए, सब कुछ किया था, बताए ना। क्या? क्या नहीं किया हमने अपनी बेटी के लिए? बेटा हर कोई देता है अपनी बेटी को, अपनी हैसियत से बढ़ के देता, हमने भी दिया। और यार समझो ना, आप लोग इस बहस में लगे रहे, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम तो जाओगे, बाइक पहले गंवा दी और अब गाड़ी का भी जवाब दे दिया। कुछ नहीं हुआ बाइक को, टायर कल डलवा लूंगा मैं। टायर लगवा लेना, लेकिन उसके पैसे अपने ससुर से लेना, अब ये भी मना ना कर देना। अल्लाह कहाँ फंस गया हूँ। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कोई बाइक चोरी करके ना ले जाए। आप दोनों इस बहस में लगे रहे, मैं जा रहा हूँ। मगर सुनो तो, तुम्हें समझाया था ना मैंने कि ये मुनासिब नहीं है, समझाया था ना बेटा? शादी के रस्म और रिवाज होते हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, और इस तरह से लड़का और लड़की का इकट्ठा घूमना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अब हो गया ना नुकसान, लग गई ना नजर। अम्मा जाना पड़ा था ना ईश्वर को। दादी सर मैं बहुत खुश था, बहुत इंसिस्ट कर रहा था। तो इनकार कर देती ना, क्या शादी के बाद भी तुम उसकी हर बात पे हाँ मिलाओगी? जब हम सब कह रहे थे, मना कर रहे थे, तो तुम हमारा कंधा इस्तेमाल कर लेती। कभी मेरे बुजुर्गों ने मना किया? अच्छा चलो छोड़ो, मिट्टी डालो, नाश्ता करो। भूख नहीं है। बुरी बात है ईशा, रिश्ते मुंह नहीं मोड़ते। और फिर अम्मा जो कुछ कह रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं। जानती हूँ अम्मी।
हेलो सर। नहीं सर, बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ, बाइक का काम करवा रहा हूँ सर, बस आ रहा हूँ रास्ते में। ठीक है सर। हाँ ईशल बोलो। मैं ठीक हूँ। क्यों सवाल पे सवाल करी जा रही है यार? मैं यहाँ बाइक ठीक करवाऊँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दो। मैं करता हूँ ना यार बात में कॉल। क्यों सवाल पे सवाल करी जा रही है यार? मैं यहाँ बाइक ठीक करवाऊँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दो। ईशल बेटा टमाटर कट गए। बेटा अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, उन्होंने अपने पन में कह दिया। बचपन से उन्हीं के पास से तुम पली भरी हो, इस घर के हर फैसले में वो शामिल होती है। बेटा उनकी बातों का बुरा नहीं मनाते। नहीं अम्मी, मैं दादी की वजह से अपसेट नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो खुद ठीक कहा। फिर क्या बात है बेटा? अम्मी मैं सहमत की वजह से अपसेट। आज सुबह वो फोन पे मुझसे उलझ पड़ा, इतने बुरे तरीके से मुझसे बात की, बहुत दुख हुआ है मुझे। अरे बेटा वो किसी काम में उलझा हुआ होगा। बाइक ठीक करवा रहा था। बस यही तो मसला है, वो बाइक को ठीक कराने की परेशानी में होगा, ऊपर से तुम्हारी कॉल आ गई। तो इसका क्या मतलब है अम्मी, वो इतने बुरे तरीके से मुझसे बात करेगा? बेटा जाने दो, ये छोटी छोटी सी बातों को दिल पर नहीं लगाते, और इंसान खफा भी तो उससे होता है ना जिसे अपना समझता है, वरना गैरों से तो क्या होता है। अपनों का दिल तोड़ना जायज है क्या? नहीं जायज तो नहीं, लेकिन दिल भी अपनों का ही तोड़ा जाता है ना, क्योंकि उन पर मान होता है कि वो आपको समझते हैं। अच्छा चलो शाबाश, अब अपना मुंह ठीक करो और ये सब कुछ भूल जाओ। उसे तो रात तक याद भी नहीं रहेगा कि उसने तुम्हें क्या कहा है। प्लीज शो मी। सर ये देखिए ना। थैंक यू। तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कब से छुट्टी पे जा रहे हैं? अभी तो वक्त है सर, 3-4 दिन बाद की एप्लीकेशन दी है मैंने। जी वो मैंने देखी है, लेकिन इतनी देर क्यों? सर 3-4 दिन काफी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थर्सडे से छुट्टी पे चला जाता हूं। नहीं आप कल से छुट्टियों पे जाएंगे। I don't think I need it, sir. Yes, you do, Wasim sir. शादी ब्याह वाले घर में बहुत से काम होते हैं, और आपको तो कोई बेटा भी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे आई होंगी। I want you to relax, Wasim sir. सही कह रहे हैं सर। आप इस तरह करें, बस ये रिपोर्ट अपडेट कर लें, और उसके बाद you're good to go. मैं लाशारी साहब से कह के ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दूंगा until you come back. Sir, if you don't mind, एक सवाल कर सकता हूं? जी जी जरूर पूछिए।
सर जी आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं मुझ पर?